आज हम शेयर करने जा रहे हैं मावा की गुलाब जामुन बनाना, जिसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन बहुत से लोगों को इसे बनाना बहुत ही कठिन लगता है क्योंकि ये कभी कभी फटने लगते हैं तो बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको आपके लिए गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपके गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, ना ही फटेंगे ना ही चिटकेंगे और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो अगर घर बैठे आप ऐसी ही रेसिपी बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बहुत ही जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक हमने भगोना लिया है जिसमें हमने 2 कप चीनी डाल दी है, ये वजन में 500 ग्राम है और इसमें 3 कप हम पानी डाल देंगे। जितना चीनी हम लेंगे उसका 1.5 गुना हम पानी लेंगे। चाशनी हमको थोड़ी ज़्यादा ही बनानी है क्योंकि गुलाब जामुन जब अच्छे से उसमें डूब जाते हैं तभी जो गुलाब जामुन होते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, नहीं तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो चाशनी को हम बनने देते हैं तब तक कि हम मावा तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 500 ग्राम मावा लिया है, ये सॉफ्ट मावा है तो इसको एक तसले में या किसी परात में हमको इसको डाल देना है। ये 125 ग्राम पनीर लिया है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, तो ये अदरक वाले ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट किया है तो इसको भी हम इसी मावा में डाल देंगे। ये 1/2 कप मैदा लिया है, मैदा को भी हम मावा में डाल देंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल देने से जो गुलाब जामुन होते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी जो ऑयल होता है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं और ये फटने लगते हैं। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई तो ये गुलाब जामुन जो है फटने लगते हैं, इसलिए हम उसको बिल्कुल नहीं डालेंगे। पनीर को डालने के बाद जो गुलाब जामुन होते हैं वो बहुत ही स्पंजी बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो हमको इसको अच्छे से मसल लेना है गदेली से। इस तरीके से इसको कम से कम 7-8 मिनट तक मसल लेना है। तो ये मावा भी डिपेंड करता है कि मावा हमारा कैसा है, दानेदार है या चिकना है, तो हमको उसी हिसाब से इसको मसलना है क्योंकि मार्केट से जो मावा आता है तो कभी कभी उसमें बहुत दाना होते हैं तो हमको काफ़ी देर लग जाती है मसलने में। अगर खोआ आपका थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी या फिर दूध डाल सकते हैं। इधर चाशनी भी हमारी बॉयल होने लगी है, ये लगभग बन गई है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको उंगली और अंगूठे के बीच में हमने लगा के देखा तो देखिए ये चिपचिपी सी है, बस हमको ऐसी ही चाशनी बनानी है, एकदम शहद की तरह से चिपचिपी ही होनी चाहिए। चाशनी बन गई है, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको हमने गैस से हटा दिया है और नीचे रख दिया है। और इधर मावा भी हमारा बहुत बढ़िया चिकना सा हो गया है, इसमें एक भी दाने नहीं हैं। और इधर हमने आयल गरम करने के लिए भी रख दिया था। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा डो परफेक्ट है या नहीं। इस तरह से हम छोटा सा डो लेकर के इसका एक छोटा सा बॉल बना करके और इसको हम तल के देख लेते हैं। तो इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी है, इसमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो गुलाब जामुन अंदर से पकेंगे नहीं और ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हमने तल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी बबल्स नहीं आया है, एक भी क्रैक्स नहीं है, तो ये एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो डो है वो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। अगर बबल्स आते तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते थे। तो ये हमने स्टफिंग तैयार करने के लिए 10-12 काजू लिए हैं और 10-12 बादाम लिए हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा डो डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो गुलाब जामुन बिना स्टफिंग किए भी हम बना सकते हैं लेकिन स्टफिंग करने से जो गुलाब जामुन होते हैं वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और अंदर एकदम गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। तो हम इस डो की छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे से टुकड़े करके रख लेते हैं। एक साथ टुकड़े करने से ये फ़ायदा होता है कि जितने भी गुलाब जामुन बनेंगे वो एक साइज़ के बनेंगे। तो सारे टुकड़ों को हमने करके रख लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लोई ले करके और हाथ से इसको पहले मसल लेंगे। मसलने के बाद इसको हम दबा देंगे। तो दबाने के बाद जैसे कचौड़ी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमको साइड से इसको पतला करना है
और थोड़ी सी स्टफिंग लेकर के इसके अंदर रख देनी है और इसको बंद कर देना है। और हल्के हाथों से इसको हमें एकदम चिकना बॉल बनाना है, इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छे गुलाब जामुन बनाने की यही पहचान है कि हमारा डो जो है वो एकदम चिकना होना चाहिए, बॉल बनने के बाद उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से हमको सारे बॉल को तैयार कर लेना है। आप इस स्टफिंग में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास इलायची पाउडर नहीं था तो हमने इसमें नहीं डाला है। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने स्टफिंग भर के देखिए दूसरा बॉल भी तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमको सारे बॉल इसके तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने कुछ बॉल तैयार कर लिए हैं और इधर आयल भी हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसमें थोड़े थोड़े करके बॉल को डाल करके इनको हम तल लेते हैं। तो इसके लिए हमको तलने में भी बहुत ध्यान देने योग्य बात होती है कि इनको डालते जाएं और ऐसे कलछी से या फिर कोई चम्मच से इसके आयल को हम हिलाते जाएं, जिससे कि ये एक तरफ से ना लाल हो, चारों तरफ से अच्छे से ये सीख जाए। अगर हम एक साइड पड़े रहने देंगे तो एक तरफ से ये ज़्यादा लाल हो जाएंगे और चारों तरफ से अच्छे से नहीं सीखेंगे और गुलाब जामुन चपटे भी हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से चम्मच से हम हिलाते जाएंगे तो ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होंगे, पूरे गुलाब जामुन का एक जैसा ही कलर आएगा और ये चपटे भी नहीं होंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पर ही तलें। तो ये देखिए गुलाब जामुन कितने बढ़िया से ब्राउन कलर के हो गए हैं। बस ये एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन का कलर है, हम इसको निकाल लेते हैं। अगर आपको काला जामुन बनाना है तो आप इसको थोड़ा और देर तक पका लीजिए और ये डार्क कर लीजिए। तो इनको निकाल लिया है और हम ऐसे गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। तो आपने देखा ये बिना क्रैक्स के और बिना फटे हुए गुलाब जामुन बन करके कितने बढ़िया से तैयार हो गए हैं। जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये दूसरा बैच भी तैयार हो गया है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये सारे गुलाब जामुन बन चुके हैं, अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। 2 घंटे रखने के बाद ये काफ़ी जूसी हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब देखिए आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है और ये कितने जूसी हो गए हैं, इन्होंने काफ़ी जूस एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये देखिए हम आपको दबा के भी दिखा रहे हैं कितना जूसी है और कितने स्पंजी ये बने हुए हैं। तो ये एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा और ऐसे ही बनाया तो आपके गुलाब जामुन कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए हमने काट के भी दिखाया, देखिए कितने सॉफ्ट हैं और ये पूरा जूस अंदर तक इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, ये इसको आप पास से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।